गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एच ओ डी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बी कॉम पार्ट फर्स्ट एम बी एस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बिजनेस लॉ का जो पेपर की जो का जो पेपर है उसमें आज ये लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, और वैध अनुबंध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। आज हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कितनी तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कई प्रकार के होते हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएँ हैं, तो कई विद्वानों ने इनको अलग अलग कैटेगरीज में भी बांटा है अध्ययन विशेषता की दृष्टि से, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ क्रिएशन, निर्माण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, इनके क्रियान्वयन के आधार पर, और कुछ और भी कैटेगरीज इन्होंने बनाई है। लेकिन ओवरऑल कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किसकी की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है वैलिड एग्रीमेंट्स पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें जो कि पूरी तरह से कॉपी बुक स्टाइल में होते हैं, परफेक्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और जिनमें वैध अनुबंध की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, और जो बाइला एनफोर्सेबल होते हैं, कानून के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं और हर तरह से परफेक्ट होते हैं, उनको हम वैध अनुबंध या वैध ठहराव के नाम से जानते हैं, जिनमें सारी वैध अनुबंध की विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरी तरह का प्रकार जो अनुबंध का या एग्रीमेंट का हम बता सकते हैं वो है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि, या अवैध ठहराव भी हम इनको बोलते हैं, जो कि शुरू से ही वॉइड होते हैं, अवैध होते हैं, व्यर्थ होते हैं, और व्यर्थ होने के कारण शुरू से व्यर्थ होते हैं। इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, और इनको कानून की परिवर्तनीयता का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो शुरू से ही व्यर्थ होते हैं, जो किए ही नहीं जा सकते, और कई दो पार्टीज अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं तो उनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इनको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स या व्यर्थ ठहराव। इसी तरह से तीसरा जो तरीका है, प्रकार हम इसमें बता सकते हैं वॉइड है, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या व्यर्थ अनुबंध। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार अनुबंध बन जाते हैं और जब उनका निर्माण होता है तो वैलिड होते हैं और कानून के द्वारा प्रवर्तनीय भी शुरू में होते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों के कारण ये बाद में व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे अनुबंधों को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और भाई इनका लॉ एनफोर्सेबल होते हैं, लेकिन बाद में कोई स्पेसिफिक कारणों से, कुछ विशेष परिस्थितियों में बदलाव के कारण ये अनुबंध जो है वो कानून की प्रवर्तनीयता का गुण खो देते हैं, जिसके कारण से इनको बाई लॉ एनफोर्स नहीं किया जा सकता, और इनको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो फ़र्क है वो यही है कि वॉइड एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि शुरू से ही व्यर्थ होते हैं और जिनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन दे आर वैलिड बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस दे बिकम्स वॉइड लेटर। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रकार हम बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यर्थनीय अनुबंध। ये क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थनीय अनुबंध क्या होते हैं?
वैध भी कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ नहीं अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जो कि किसी एक पक्षकार की इच्छा के ऊपर जिनका भविष्य जो है वो निर्भर करता है। इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पक्षकार होते हैं उनमें एक पक्षकार जो है उसकी इच्छा को महत्व दिया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाए। अगर वो पक्षकार ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए तो उसे वैलिड माना जाता है, और अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ घोषित करना चाहता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ हो सकता है। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन पार्टी दैट इज कॉल्ड अफेक्टेड पार्टी या पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर जिन अनुबंधों का भविष्य निर्भर करता है उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। जनरली इस तरह इस कैटेगरी में वो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो कि कोर्सन अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के द्वारा जिनमें एक व्यक्ति की कंसेंट जो है वो ली जाती है। उत्पीड़न अनुचित प्रभाव या कपट के द्वारा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति अनुबंध करने के लिए प्राप्त करता है और बाद में ये पता लग जाता है प्रूव हो जाता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति इसमें नहीं है तो ऐसे अनुबंधों को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाता है। इसी तरह से अनुबंध का एक दुर्लभ प्रकार है वो है इलीगल एग्रीमेंट्स, जैसा अवैध ठहरा। इलीगल एग्रीमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है दे आर एट द राइट एट द बिगिनिंग दे आर इलीगल। सच एग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट द जनरल रूल्स ऑफ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंटायर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ दीज एग्रीमेंट्स इज अनलॉफुल। जब इसके द्वारा इसके अनुबंध ठहराव के करने का उद्देश्य और प्रतिफल अवैधानिक होता है तो ऐसे अनुबंधों को हम अवैध ठहराव के नाम से जानते हैं जिनका कोई लीगल या कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो प्रकार हम इसमें बता सकते हैं वो है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रवर्तनीय अनुबंध। ये अप्रवर्तनीय अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जो एक बार अनुबंध बन जाते हैं लेकिन उसके बाद किसी विशेष कारण से उनका क्रियान्वयन जो है या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुक जाता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी गॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल डेफिशिएंसी। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जिनका एग्जीक्यूशन रुक जाता है ऐसे अनुबंधों को हम अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट या अप्रवर्तनीय अनुबंधों के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुछ और भी प्रकार हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।